नमस्कार आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव हाल ही में कर्नाटक में दहशत का माहौल बना हुआ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में पंद्रह प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हुई है बता दें कि यह धमकी एक दिसंबर को ईमेल के जरिए मिली है सब स्कूलों को एक साथ ई आया और दावा किया गया की कि स्कूलों के अंदर बम रखे गए हैं पुलिस को तुरंत ही ने इसकी सूचना दी पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाला और सर्च ऑपरेशन शुरू किया इस मौके पर बम डिफ्यूजल स्क्वाड स्क्वाड डॉग और एंटी टीम भी पहुंची इससे हर जगह अफरा तफरी मच गई लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह ईमेल फर्जी है हालांकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इसकी जानकारी दी है सीएम डीके ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है 24 घंटे में ही आरोपियों को पकड़ लेंगे डिप्टी सीएम डीके कुमार ने एक स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया है वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने भी अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है फिलहाल के लिए इतना ही जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज